तो दोस्तों, वेलकम बैक टू असासिन्स क्रीड ओडिसी। और प्रीवियस पार्ट में हम लोग ने यूबो या एबिया, पता नहीं कैसे बोलते हैं, उसको एक्सप्लोर किया। और हम लोग ने उधर एक एल्क को मारा था, उसका पेल्ट देने हम लोग वापस फोकीस में आ गए थे। तो इधर सिर्फ एक ही लोकेशन, ये क्या है, ओ साइड क्वेस्ट, इधर सिर्फ एक ही लोकेशन बचा है, ओरेओस क्वारी। तो इसे कंप्लीट करता है, एंड ये साइड 11 आवर्स, ओके, टाइम्ड क्वेस्ट है, इंटरेस्टिंग। तो इसे कंप्लीट करने के बाद मैं सोच रहा हूँ शायद मालीस में चले जाएंगे। तो फास्ट ट्रैवल, वैसे डॉटर्स ऑफ आर्टिमिस हॉस्टाइल क्यों है? हम लोग तो उनके लिए ही क्वेस्ट कर रहे हैं, एनिमल्स को किल करके। पता नहीं क्या गड़बड़ है। ये ले, उसको आते हैं इकारोस मारेगा। 40,000 जब एनिमीज के ऊपर ऐसा कुछ ईगल का सिंबल आ जाता है, तब आई थिंक इकारोस आके मारता है। कहाँ पर है ये? अंडरग्राउंड? वो केव में वगैरह है क्या? चलो छोड़ो, इग्नोर करो इस क्वेस्ट को। डॉटर्स ऑफ वेंजेंस, ये आई थिंक कंपल्सरी नहीं होते टाइम्ड क्वेस्ट करना, सिर्फ वो गोल्डन एक्सक्लेमेशन वाले क्वेस्ट। वेल, कंपल्सरी तो वैसे कुछ भी नहीं है, लेकिन टाइम क्वेस्ट अनलिमिटेड रहता है, जितना हम लोग करेंगे उतना आते ही जाएंगे। तो रिवॉर्ड्स के लिए करना सेंस बनता है, लेकिन स्टोरी के लिए वगैरह करना सेंस नहीं बनता, इसलिए फिलहाल के लिए तो इग्नोर मारते हैं उन्हें। ओ, मेरे को ये लगा ऑलिवुड था। नहीं, अब देख सकते हैं फॉल डैमेज का। जब यस, फॉल डैमेज आई थिंक चला गया है या रिड्यूस हुआ है, दोनों में से। मेरा गैस है कि फॉल डैमेज चला गया है कम्प्लीटली, आई डोंट नो हाउ, मगर अच्छी बात है। और मैं ऑन फुट क्यों जा रहा हूँ? चलो, और ये पहुंच गए। प्रीवियसली हम लोग आई थिंक सी से आए थे एड्रेसिया के ऊपर, लेकिन इस बार फ्रंट गेट से जाएंगे। यहाँ पर ये रहा, इसको टैग करें थोड़ा आगे। यहाँ पर क्या है? ओ, हिडन एंट्रेंस, नाइस। टैग टैग, इसको क्यों नहीं टैग हो रहा? सिविलियन होगा। और कोई है? ये रहा, ये रहा, और कोई नहीं दिख रहा मेरे को। ये रहा, आई थिंक इतने ही लोग हैं। इतने ही लोग हैं। सो सबसे पहले प्रायोरिटी तो यही रहेगा, जो क्या बोलते हैं उसको, टॉर्च है, टॉर्च नहीं, ब्रेजियर, उसको ट्रैप करके आना है। वो सेकंड जाना चाहिए, जैसे दूसरा बंदा जाता है। ओ भाई, क्या हो गया? भाग क्यों रहा था ये?
आई थिंक दोनों आ जाएंगे। हाँ नहीं एक ही आ रहा है। आ जा भाई आ जा आ जा आ जा। I guess it was nothing. ये ले अब तेरे दोस्त को बुलाता है। आ जा आ जा भाई। आजा नहीं इमेजिन नहीं कर रहा। चलो दो तो गए और यहां से अंदर आ गए हम लोग। आ जा भाई। और ये गया। चलो क्या वो हमारे तरफ देख रहा है? नहीं आई डोंट थिंक सो। जल्दी जल्दी ओ ये ग्रास पे ना आग लग जाए। ये गया ऑलमोस्ट पकड़े गए थे। चलो ओ बॉय क्या हम लोग इसको मार पाएंगे? आई डोंट थिंक हम लोग स्टेल्थ से मार पाएंगे इसको। कैसे कैसे पकड़ा? गए हम लोग ब्रेजियर को ट्रैप नहीं सेट किया हम लोग ने। और ये स्पेशल एबिलिटी ओ भाई ये ले ब्लॉक दे तेरी शील्ड दे दे। नहीं नहीं इसकी शील्ड नहीं कर सकते हम लोग। मारो टॉर्च मारो ब्लॉक मारो भाई जल्दी मार ये ले। ओ नो मेरे को लगा छुप गए हम लोग। जल्दी मार भाई ब्लॉक। हो गया क्या? हो गया। चलो ब्रेजियर नहीं लगाना चाहिए इसने। जल्दी से मारता है इसको। ये गया चलो अब ठीक है। छुप छुप के जाता है। इसको आई थिंक नॉकआउट करना पड़ेगा क्योंकि सिविलियंस है आसपास। ऑलमोस्ट पकड़े जाने वाले थे। पहले इसको ये ले। अरे नहीं सिविलियंस ने देख लिया। मर्सिनरी लग गए पीछे। नॉकआउट और जल्दी 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 दूसरे गार्ड्स को अलर्ट करने से पहले नॉकआउट। नाइस चलो ऊपर चलो ऊपर 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 ऊपर
छुप छुप के बस ऊपर जाना है हमें। जंप। चलो अब सेफ है हम लोग, अब पकड़े भी गए फिर भी चलेगा। पॉलीमार्क वॉर सप्लाई एक हो गया, ट्रेजर चेस्ट एक नीचे है। कहाँ पर है ये? ओ वहाँ पर भी एक ट्रेजर चेस्ट था, मैं लेना ही भूल गया। ये कैसे लेना है? ओके यहाँ से। चलो लूट हो गया ये भी। और आई थिंक अब ऊपर जाते हैं हम लोग। ओ बच गए। बचे या नहीं? नहीं बचे। मेरे को उसके पीछे छुपना था। ले भाई लूट। चलो कौन? ओके उसको देखा ही नहीं था मैंने। ये ले। गया। डैगर के किल एनिमेशंस बहुत अच्छे हैं। क्या वो उसको जगा सकता है? जस्ट एज अ प्रिकॉशन मार डालता है। अगर उसको जगा सकते रहेंगे तो। वॉर सप्लाईज एक और बाकी है राइट? ऊपर भी है क्या? ओके ट्रेजर चेस्ट, इंटरेस्टिंग। भाई ये मरने वाला है, ये मरने वाला है। चलो मजा देख के जा भाई, जा ब्रेजर लिट कर। ट्रेजर चेस्ट और शुड आई से ट्रेजर बॉक्स। हाई ऑन द आर्टेमिसियन पॉइंट आई यूज टू सेट, आई वॉज कास्ट फ्रॉम इस्टाला इन थंडरस वेट फॉर अ क्राइम आई वॉज प्रेजेंट फॉर बट डिड नॉट कमिट। अंडरनीथ दिस मार्बल्ड बीच आई ग्रीव एंड सेट, बट सेट मी फ्री वॉन्डरर एंड टू यू आई सबमिट। ये मतलब एनिमाटा ऑस्ट्रगा का पजल्स करना बहुत मुश्किल है, मतलब पढ़ो क्लूज ट्रैक करो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओ नो ओके नहीं आ नहीं आ रहा, इसको भी नॉकआउट ही करना पड़ेगा क्योंकि अगेन सिविलियंस है। मर्सिनरीज लगा देते हैं पीछे। लेट्स सी, ये रहे वॉर सप्लाईज, पहले लूट। और यहाँ पे भी कुछ पैसे एंड देन बर्न। अब ट्रेजर चेस्ट और ट्रेजर चेस्ट और पॉलीमार्क। और बच गए, देखा ही नहीं मैंने, हमारे तरफ आ रहा था वो। ट्रेजर चेस्ट तो मिल गया, पॉलीमार्क को नहीं मार सकते हम लोग। ये क्या कर रहा है? ऐसे भी करते क्या गार्ड्स? डेड बॉडी उठाकर मतलब ट्रांसपोर्ट, इंटरेस्टिंग। बच गए, इसको आई थिंक साउंड सुनाई दिया। चुप जाओ,
पहले ट्रेजर चेस्ट ले लेता है, फिर पॉलीमार्क को किल करता है। लूट और लूट, चलो क्लाइम 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 क्लाइम। इसको नॉकआउट करना पड़ेगा, किल किया तो चलेगा पता नहीं। अरे भाई कैसेंड्रा अंदर आ जा, हेलो वहां से रेंज नहीं है इतनी, शायद यहां से नहीं। ओके चलो पॉलीमार्क को ही मारता है। यहां से हम लोग यहां पर जाकर, ओके ये ऊपर आ रहा है, नाइस। आ जा भाई आ जा, यहां पे आ जा। बस पीछे मत मुड़, बेचारे के पास वेपन ही नहीं है। स्ट्रेंज, आप सिर्फ पॉलीमार्क बचा है। ग्रीक रिफ्लेक्स बो और ये ले, दे दे भाई तेरी शील्ड दे दे, ये ले मारो। आ जा भाई, ब्लॉक मारो, रियली बो एंड एरो, सामने क्लोज रेंज में बो एंड एरो, ये ले मारो, डॉज मारो, ब्लॉक। ओ हमारी स्पेशल एबिलिटी है ना, भाई इतने पास आकर बो एंड एरो। चलो एक मार भी दिया। अब आई थिंक सारे लोकेशंस हो गए, गेम प्ले आइकॉन्स फोटोज नहीं, हाइड कंप्लीटेड। बस ये क्वेस्ट छोड़ के सारे लोकेशंस हो गए। ये मर्सेनरी है और ये सिटी है, यस इसके सारे लोकेशंस हो गए, स्कीरोस आइलैंड के भी और यूबोया के भी। तो हमारे पास दो ऑप्शंस है, अभी हम लोग एंड्रॉस में जा सकते हैं या फिर हम लोग मालीस में जा सकते हैं। आई एम थिंकिंग पहले मालीस में जाता है ये कल्टिस्ट को हंट करने के लिए। तो डॉक कहाँ पर, आई थिंक मालीस में था, यस। चलो ओ मर्सेनरी है, इंटरेस्टिंग, हम लोग किल कर सकते हैं इसको, लेवल 18 है। पहले डिस्क्रिप्शन पढ़े, ये क्या है, ये हमारे पीछे है क्या, नहीं गोल क्यों आ रहा है। ओके वो अरीना वाला, हम लोग ने पहले मर्सिनरी को मारा था तो इनविटेशन आया था हमको। बहुत हाई लेवल का क्वेस्ट है, लेकिन वो कहां पर, ये वाला एंटर द अरीना, उसमें रहेगा वो, अरीना में रहेगा मर्सिनरी और रहेगी। और हम लोग ने किसको देखा था अभी,
नहीं, किसको देखा था हम लोग ने? पीछे है क्या हमारे? हाँ, इसको, काइक्नोस द वॉल. काइक्नोस द वॉल वॉज एन इम्प्रेसिव फिगर ऑफ अ मैन. एट पार्टीज ही वॉज नोन टू क्लेम देर वॉज अ सीक्रेट टू हिज ग्रेट स्ट्रेंथ. ही बोस्टेड दैट इज कॉन्स्टेंट ऑब्सेशन विद ट्रेनिंग पेड विद रिगरस ड्रिंकिंग इम्ब्यूड हिम विद ऑलमोस्ट गॉड लाइक फोर्टिट्यूड. और इससे मिल रहा है पर्शियन वॉरियर गॉन्टलेट्स. द कनिंग ऑफ अ पर्शियन वॉरियर हैज़ बिन द बेन ऑफ ग्रीक सोल्जर्स सिंस देयर डिस्प्यूट बिगैन. कैन ड्रेन स्टैमिना विद सर्टन अटैक्स. ओके, इंटरेस्टिंग. टेक्स लेस डैमेज फ्रॉम असैसिनेशंस. बट अगेन वही पॉइंट है, लेस डैमेज है, नो डैमेज तो नहीं है. चलो, क्या हम लोग घोड़े से असासिनेट कर सकते हैं? ऐसे खड़ा होकर कोशिश करते हैं. चलो, करने तो आना चाहिए. हेलो, धीरे 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 कर सकते हैं. चलो यहां से ही लॉन्च करते हैं. अरे, स्टेल्थ स्टेल्थ अटैक. नाइस, पॉइजन है इसके वेपन को. ओ भाई, ब्लॉक मारो, ये ले, नाइस, ब्लॉक मारो. इसको रिक्रूट नहीं करना है, कुछ स्पेशल नहीं लग रहा मेरे को. आ जा भाई, कहाँ भाग रहा है? इसको रिक्रूट करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब एक नॉर्मल मर्सिनरी है. ब्लॉक, ओ गला ही काट दिया इसका. डायोनोस या द स्पार्क. ओ ओके, गोल्डन सॉर्ड, नाइस. ये गोल्डन वाले को रिक्रूट करते हैं जिसके पास गोल्डन सॉर्ड है. इसके पास है क्या? नहीं, इसके पास नहीं, इसके पास यस. फिर इसको भी रिक्रूट करना है जिसके पास गोल्डन सॉर्ड है और जो मतलब स्ट्रांग दिख रहा है या दिख रही है उसको रिक्रूट करता है. बाकी सबको किल, या फिर जिसकी बैक स्टोरी सैड है. चलो यहाँ पे जाते हैं. एक्चुअली यहाँ पे आ ही गए तो नहीं, कभी भी टेलीपोर्ट हो सकते हैं. वैसे तो हम लोग डॉक है, तो हम लोग 1, 2 एंड 3 ऐसे करके जाता है एंड देन नीचे आकर यहाँ पे सब कुछ. चलो, आ जा फोबोस, लेट्स गो. सॉरी, थोड़ा पानी पी रहा था. हेलो सोल्जर, क्या ये रास्ता हमें लेकर जाए? यहाँ पे कैंप है लेकिन नहीं, रास्ता तो नहीं लेके जाएगा, तो शायद यहाँ से ही क्लाइम करके जाता है. वो बॉस को छोड़ देते हैं यहीं पे आगे, क्योंकि स्पार्टन कैंप था. मे बी वो बैटल ग्राउंड हो सकता है कॉन्क्वेस्ट बैटल का. वैसे एबिया में भी कॉन्क्वेस्ट बैटल आया था, हम लोग ने किया नहीं. वापस रीसेट हो, नहीं वीकेंड ही है. इंटरेस्टिंग, हम लोग ने किया नहीं बैटल, लेकिन वेल टू बी ऑनेस्ट कॉन्क्वेस्ट बैटल से सिर्फ एपिक लूट ही मिलता है. तो अभी हमारे पास जब लेजेंडरी आ गया रहेगा तो एपिक लूट थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं, इतना स्पेशल नहीं लगता. किल बैंडेड लीडर, काफ़ी बड़ा कैंप है इनका.
और कहाँ पर है ये? मर्सिनरी देखते हैं, हमारे ही लेवल के आसपास रहेगा तो किल कर देंगे। एक दो लेवल ऊपर नीचे चल जाता है, लेकिन 5-6 लेवल ऊपर नीचे रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। नीचे ठीक है, ऊपर रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। उनका लीडर नहीं मिला अब तक। ओके मिल गया, मिल गया, टैग हो गया, गोल्ड आ रहा है। ओ भाई छुपने के लिए इतना जगह नहीं है यहाँ पे। अरे टू बी ऑनेस्ट हम लोग ओपन कॉम्बैट में भी जा सकते हैं। बोर क्या करेगा, वेल एटलीस्ट एक दो को तो, एक को तो मारेगा। पॉइजन एरो है ये लोग के पास। भाई मार, क्या कर रहा है बोर? गया बोर तो गया, एक को तो मार एटलीस्ट। नहीं एक को भी नहीं मार रहा है। ओ एक को मारा, आर्चर को मारा, नाइस। दो को मारा, वेल डन बोर, वेल डन। अब क्या करें इस बोर का, हम हमारे पीछे लग जाएगा ये। ऊपर से जाता है, कहां पर है ये बोर? चलो पहले तो क्या हम लोग इसको ऊपर से असासिनेट कर सकते हैं? नहीं, चलो ठीक है, वैसे नहीं तो ऐसे ही सही। और अब चलो नीचे लूट। एंड देन लीडर को कैसे मारना है? बहुत लोग है वहां पे, क्योंकि लीडर के वहां एक्चुअली। अब हम लोग पीछे से जाकर कोशिश करते हैं। नहीं बच गए, बच गए। नहीं कुछ नहीं देखा तूने, कुछ नहीं देखा। चलो विसल था भाई, बहन आ जा। चलो 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 चलो, स्पार्टन के कैबिलिटी होनी चाहिए थी। कोई नहीं ऐसे ही मार देता। ये गया, ओ बच गए, बच गए, बच गए, बच गए, बच गए। आ जा भाई। चलो इधर का साफ हो गया, बस अकेला बच्चा है। अब बस पीछे मत मुड़। ये भी गया, नाइस। दो लोग बचे बस। वो ग्राउलिंग की आवाज आ रही है। चेस्ट तो नीचे है। इंटरेस्टिंग, ट्रेजर चेस्ट कहाँ पे है ये? ओ भाई ओके यहाँ पे नीचे है। केव रहेगा मे बी। बोर अभी भी जिंदा है,
जा बोर मार उसे, डैमेज करेगा ताकि हम लोग स्टेल्थ असैसिनेट कर सके। मर गया एक ही हिट में। बोर ने डैमेज किया, थोड़ा किया लेकिन किया। क्या हम लोग इसको ऊपर से असैसिनेट कर सकते हैं? और ये नहीं मरेगा नहीं। और ये ले मार, डॉज मार। ओ भाई मैं सोच रहा हूँ पॉइजन ले लूँ। ये फायर से कोलैटरल डैमेज बहुत होता है। और इससे मारते हैं और ये ले गया। वेल फायर से स्प्रेड बहुत होता है तो मैं सोच रहा हूँ कि एबिलिटी रीसेट करके पॉइजन पे कर दूँ। समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ, क्योंकि पॉइजन से थोड़ा कंट्रोल होएगा, फायर से बहुत मतलब आजू बाजू भी बहुत लग रहा है जैसे अभी हुआ, लेकिन दिखने में फायर बेटर है। लूट ट्रेजर भी नीचे कहाँ से जाना है? यहाँ से है क्या? नहीं नीचे कहाँ से जा सकते हैं? पीछे केव वगैरह रहेगी यहाँ पे? नहीं लेट्स सी, यहाँ वही ट्रेजर चेस्ट है ना इसका या कुछ और है? पूरा बैंडिट कैंप स्कैन करके नहीं वही मिल रहा है। हाँ ओके, उधर एक मेरे को गैप दिखा था यहां से शायद। यस नाइस। कोई रहेगा क्या? नहीं कोई नहीं। लूट हो गया। हो गया हेराक्लिया बैंडिट कैंप। तो आई थिंक मैं सोच रहा था इस पार्ट के एंडिंग में हम लोग एबिलिटी रीसेट कर देंगे ताकि पॉइजन ले सके। बाकी सब सेम ही रखेंगे, बस फायर को स्विच करके पॉइजन ले लेंगे। वेल बाकी सब कोशिश करेंगे सेम रखने की। आपको एग्जैक्ट एबिलिटीज क्या क्या है वो भी नहीं पता। चलो फोबॉस आ जाओ, लेट्स गो। इकारोस मारने वाले। इकारोस द स्लेयर, वेल डन। चलो ओ ये ब्लैक बेयर बहुत स्ट्रांग रहता है। दो दो है क्या? नहीं एक ही है। कौन है? कॉम्बैट में आ गए हम लोग। चलो और बस इतने ही लोग हैं। ट्रेजर चेस्ट यारे, नहीं और भी कुछ तो था। प्रिजनर रहेंगे आई थिंक, प्रिजनर या फिर
वॉर सप्लाई कुछ तो आया था यहाँ पे। यस और एक ट्रेजर चेस्ट। ओके दो गेस किए दोनों ही रॉन्ग। हेलो आर्चर एथेंस का ही है, अथीनियन आर्चर आ जा। अरे भाई आ जा आर्चर। ये गया ओ पकड़े गए। कहां पे पर था क्या कोई? नहीं हाँ स्ट्रेंज ये ले और इसको अनामडी मारना पड़ेगा आई थिंक। पहले आर्चर्स तीन तीन एरोस। ओके इंटरेस्टिंग ब्लॉक भाई ब्लॉक। पहले आर्चर्स ओके यही दे रहा है कॉन्ट्रैक्ट यही दे रहा है। चलो पहले सबको मारते हैं और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वाले को मारते हैं। आ जा भाई ये ले। आर्चर कहां पर है? ये रहा। ये ले और स्पेशल एबिलिटी। तेरे को अभी नहीं भाई तेरे को बाद में। ओ नहीं तेरे को अभी नहीं। ओ क्या था ये? और ये ले आ जा। ये क्या इसका एक्सप्लोडिंग एरो है क्या? बाउंटी क्लियर। वो मर गया फायर से ही। डॉच मारो डॉच मारो। आ जा भाई आ जा ब्लॉक। ये गया नाइस। ये पहली बार देखा एनिमेशन। और ये ले और ये ले। चलो हो गया क्लाइम लूट और सॉफ्ट लेदर लेता। ये ले ये ले ये ले और फाइनली ये ले। चलो हो गया। और अब हम लोग आई थिंक कल्टिस्ट के पास जाने से पहले एबिलिटीज देख लेते हैं। कल्टिस्ट के पास शायद अगले पार्ट में चले जाएंगे और अगले पार्ट में पता नहीं पूरा एक्सप्लोर हो पाएगा ही नहीं। क्या जैसे होगा वैसे क्योंकि मालिस लास्ट रीजन है। उसके बाद हम लोग सीधा एंड्रोस जा रहे हैं। एंड्रोस जाके मेन स्टोरी करना है और कल्टिस्ट को मारना है। केओस में भी है इंटरेस्टिंग। ओके ये सेम आइलैंड है केओस और सेरिपॉस और लेस्ट्रेस। पायरेट आइलैंड नाम है उसका। इंटरेस्टिंग
एनीवे तो हमारी एबिलिटीज रीसेट करता है। वेल मैं याद रखने की कोशिश करूँगा एग्जैक्टली लिया क्या था हम लोग ने। रेन ऑफ डिस्ट्रक्शन इस बार नहीं लेता है, मैं यूज़ नहीं करता इतना। ये ठीक है, इंक्रीज हंटर डैमेज, और ये भी ठीक है। ओके, लगभग तो समझ में आ गया क्या क्या लिया था। चलो रीसेट करें, सिर्फ 400 रुपये ही लगता है और 400 ड्राखमी। इसको लिया था लेकिन असाइन नहीं किया था, कैंसिल। पहले इसका देखता है, शैडो असासिन तो इम्पॉर्टेंट है, असासिन डैमेज ये तीनों किया था। ये एक पॉइजन का बाद में देखेंगे, क्रिटिकल असासिनेट, हीरो स्ट्राइक लेके रखा था लेकिन हम लोग फिलहाल यूज़ नहीं कर रहे थे तो लेके रखता है। अरे नहीं 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 चलो कोई नहीं, बाद में ये वाला लिया था, इसको ट्रायंगल, ओवर पावर अटैक्स, फायर का नहीं लेना, और गियर मास्टर, शील्ड वाली एबिलिटी ओपे लगा देता है। नहीं ओपे नहीं थी, शील्ड वाली एबिलिटी स्क्वायर पे थी। कितने 8 पॉइंट्स है राइट। पॉइजन का देख लेते हैं अभी, वेनमस अटैक्स और एक बिल्डअप लिया था, और आई थिंक फॉर 20 सेकेंड्स मेली, और ये क्या है, इंटॉक्सिकेटेड ड्यूरेशन, ड्यूरेशन इंक्रीज करता है। और नहीं इसको तो कर ही नहीं सकते, ओके इंटरेस्टिंग। और इसमें ये वाला प्रेडेटर शॉट लिया था, ट्रायंगल, हंटर डैमेज इंक्रीज किया था। इसको लिया था हम लोग ने लेकिन अभी नहीं लेते। और क्या था, ओ हेल्थ, हेल्थ का इम्पोर्टेंट है, ये कैसे भूल गया मैं। और दो बचा है राइट, ये क्या है, ओवर पावर बो स्ट्राइक, होल्ड L2 टू एम, प्रेस R1 एंड R2 टू शूट, 1000%, लेकिन 3 एड्रेलिन सेगमेंट्स हैं, नहीं लेते। वो 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 ओके, कंटिन्यूसली शूट एरोज बाय होल्डिंग R2, ईच एरो शॉट कॉस्ट 35% ऑफ एन एड्रेलिन सेगमेंट्स। ओके तो ये इसके लिए अच्छा है, फायर एबिलिटी या पॉइजन एबिलिटी यूज करके कंटिन्यूसली शूट करो। पैरालाइजिंग एरोज, फायर एरोज का क्या है, आई गेस इसका ही आगे रहेगा एरो मास्टर का, आई थिंक यही लेता है। और इसको ही करते हैं अपग्रेड, ठीक लग रहा है अब तो। पॉइजन आ गया, हेल्थ का आ गया, एड्रेनलिन सेगमेंट का ट्रायंगल से आ गया रीफिल वाला, और शील्ड आ गया स्क्वायर से, और इससे हम लोग सिर्फ यही यूज़ कर रहे हैं तो यही आ गया। ओके ठीक है, आई थिंक इतना ही सही है, बाद में एबिलिटी पॉइंट्स वैसे ही मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आई थिंक ये पार्ट के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर।